नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एशिया कप का आगाज होने वाला है। एशिया कप में कल पहला मैच खेला जाएगा और वो मैच है पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लेकिन सबकी नजरें टीम इंडिया पर भी रहेंगी। एक ऐसी टीम जिसमें धोनी नहीं है, एक ऐसी टीम जिसमें युवराज सिंह नहीं है, सुरेश रैना को ड्रॉप किया गया है, बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन बहुत सी उम्मीद टीम इंडिया पर। भारत का पहला मैच बांग्लादेश के साथ है परसों, यानी कि बुधवार को। इतिहास बताता है कि भारत सबसे ज्यादा एशिया कप जीता है, 5 दफा। लेकिन इस बार अगर भारत जीते तो फिर बड़ी बात होगी। विराट कोहली कप्तान है। अब विराट कोहली का कप्तान होना टीम के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे। मदन जी स्टूडियो में हैं और सौरभ गांगुली हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि एक कप्तान हटा, विराट कोहली को कप्तानी का मौका मिला, लेकिन टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में क्या धोनी के बल्लेबाजी को मिस नहीं करेगी? इस खिलाड़ी की आपकी नजर में पहचान क्या है? एक योद्धा, एक जाबाज, सबसे आला बल्लेबाज, अब टीम इंडिया का कप्तान। वैसे ये पहचान भी नहीं है, कप्तानी कर चुके हैं विराट, सिर्फ अंडर 19 या आईपीएल की नहीं, टीम इंडिया की भी। बावजूद इसके अभी तक उनकी पहचान कैप्टन इन वेटिंग की थी, लेकिन अब नहीं। वक्त ने उन्हें मौका दिया और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में वो टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। एशिया की टीमें उन्हें और उनकी कप्तानी को परखेंगी, लेकिन उनसे ज्यादा आलोचक और क्रिकेट प्रशंसक देखेंगे उनके तौर तरीके। It's just this one tournament that I'm captain. It's a completely different thing if you're regularly captaining the side and you're taking so much of criticism. When you win, you're praised. When you lose, you're criticized. So I think that's all a part of it. रंगीन कपड़ों में विराट की रंगीनी खूब चमकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जर्नलिस्ट उन्हें वनडे का डॉन ब्रैडमैन भी कहते हैं। हाँ, उनकी कप्तानी के बारे में कयास लगते रहे हैं। वो ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे, वो आक्रामक होंगे, वो गुस्सैल होंगे, वो सबको साथ लेकर चलेंगे, ऐसे तमाम ख्याल जहन में आते रहे हैं। वैसे कप्तान के तौर पर पिछले साल वो 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने जिम्बाब्वे गए थे। I'm very excited, as I said, to be captain in this tournament, and gives me a chance to test where I stand and how well I can lead a pack of very young and exciting cricketers who are going to shape up the Indian cricket futures. उस दौरे पर विराट कोहली ने धोनी के उलट कई काम किए, उनमें से एक था अमित मिश्रा को मौका देना। कप्तान का भरोसा मिलते ही मिश्रा ऐसे छाए कि जैसे ध्रुव तारा। दो तरफा सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लौटे थे। विराट के बेजोड़ नेतृत्व क्षमता और प्रेरणादायक कप्तान का ये उदाहरण था। मगर एक उदाहरण ये भी था कि उन्होंने परवेज रसूल को मौका नहीं दिया तो नहीं ही दिया। जाहिर है विराट में भी एक तरह की जिद है, लेकिन उनकी ये जिद क्या बड़ी टीमों के खिलाफ भी रंग लाएगी, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है चुनौतियां हैं, लेकिन चूंकि एक बल्लेबाज की तरह तमाम चुनौतियों को पार करते रहे हैं कोहली, इसलिए उम्मीद जगती है। उम्मीद इसलिए भी जगती है क्योंकि टीम में ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो उनके फैसलों पर एतराज जताएं। वो निर्विवाद तौर पर कप्तानी के दावेदार थे। उनकी किस्मत से ही सही इंतजार खत्म हुआ और अब वो जीत का आपका इंतजार खत्म करा सकते हैं। ऐसा हो अच्छा तो बहुत होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? दादा, सवाल पहला आप ही से। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या आप टीम इंडिया पर दाव लगाएंगे? हाँ, मैं टीम इंडिया के ऊपर जरूर दाव लगाऊंगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट है और हमारी वनडे टीम अच्छी है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से खेल के आए, वो अलग कंडीशन से, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में हमारी जो बैटिंग है वो हमेशा डेंजरस होगा। महेंद्र सिंह धोनी इस वनडे लाइनअप में नहीं है और मैं विराट कोहली के साथ सहमत हूँ, क्योंकि वनडे में बहुत फर्क करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। बट फिर भी मैं इस टीम को बैक करूंगा इस एशिया कप जीतने के लिए। पाकिस्तान शायद एक बढ़िया टीम है जो भारत के साथ मुकाबला कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका के साथ अगर भारत का हाल ही में रिकॉर्ड देखेंगे तो भारत ने बहुत बार श्रीलंका को हराया और बाकी टीम बांग्लादेश और
अफगानिस्तान, तो सबसे कड़ी मुकाबला होगी पाकिस्तान के साथ, और ये चीज देखते हुए मैं इंडिया को जरूर कंटेंडर मानूंगा इस टूर्नामेंट के लिए। मदन जी आप? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल चांस देता हूँ इंडिया को, क्योंकि 80% चांसेस जो है इंडिया के जीतने के हैं, क्योंकि बाकी देखिए जो बाकी टीमें भी, पाकिस्तान जैसे दादा ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, वो भी अपनी होम कंडीशन के साथ ही खेल रही है। और एक और बात है कि वो अभी रिसेंटली खेल रही थी इस एरिया में, श्रीलंका बांग्लादेश में गई हुई थी, बांग्लादेश भी उनके साथ खेल रही थी, पाकिस्तान ने बड़े मैचेस खेले हैं, तो चांसेस इंडिया के हैं। पर ये जरूर मैं यहाँ कहना चाहूँ, धोनी को हम जरूर मिस करेंगे, क्योंकि देखिए नंबर 6 के स्लॉट के ऊपर वो मैच विनर एक एक, एक प्लेयर था। बट एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा कि दूसरों को मौका मिलेगा, राइडू को मौका मिलेगा जो 2-3 साल से चल रहे हैं टीम के साथ, उसके बाद स्टुअर्ट बिनी को मौका मिलेगा। इससे साथ साथ आप एक टीम भी बनाते चले जाते हैं, पर यह है कि अब ये ना सोचे कि, और एक और मैं कहना, भारत के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, जैसे हमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में हार मिली है, उसके साथ साथ हमें ये अगर हम नहीं, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अच्छा सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर आप नहीं जीतेंगे तो फिर उसके बाद इंग्लैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर क्रिकेट जो है थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। लेकिन धोनी की बात की है दादा ने, धोनी की बात मदन जी ने भी की है, सिर्फ धोनी का ना होना ही काफी नहीं है। अगर आप इस टीम को देखें, टॉप ऑर्डर भारत का बड़ा हैवी है, अब प्लस शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लेकिन उसके बाद कौन, इस टीम का फिनिशर कौन होगा, मिडल ऑर्डर में तेज रन कौन बनाएगा? बैटिंग ऑर्डर के टॉप 3, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन तीनों की पोजीशन को लेकर कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत मिडल ऑर्डर को लेकर है, जहां एक भी दमदार फिनिशर नहीं है। जिस मिडिल ऑर्डर में महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना सरीखे बेहतरीन फिनिशर सालों से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, वहां अब विराट कोहली के पास ऐसे विकल्प हैं जिनकी अब तक टीम में ही जगह पक्की नहीं हो पाई है। चेतेश्वर पुजारा अब तक सिर्फ 2 वनडे खेले हैं, लेकिन बेअसर रहे। अजिंक्य रहाणे टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं, और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में ब्लू जर्सी में फ्लॉप साबित हुए। धोनी के चोटिल होने पर दिनेश कार्तिक की टीम में वापसी हुई है, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है। अंबाती रायडू बार बार टीम में चुने जाते रहे हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं। जाहिर है मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी तो कप्तान को जरूर खलेगी, लेकिन विराट को अपने युवा खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। It's really exciting for me. Hope I can, improve on the record, as you just said, which has been pretty good in all the matches that I've captained, and looking forward to this tournament as well. Captain Kohli ki ummeed ki hum hawa nahi nikalna chahte, lekin lakhpate ki baat ye hai ki Dhoni, Yuvraj aur Raina jaise finisher ki kami Team India ko zarur khalegi. Dada, dekhte dekhte ballebazi India ki badal gayi. Hamare paas shayad wo top order hai. Aapke paas Rohit Sharma, aapke paas Shikhar Dhawan, Virat Kohli, 3 bade ballebaz. लेकिन बीच में क्या, दिनेश कार्तिक, पुजारा, रायडू, रहाणे, आप इस मध्यक्रम को कैसे बैलेंस करेंगे? थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, मैं आपके साथ सहमत हूं विक्रांत। मैं चेतेश्वर पुजारा की तरफ फोकस करूंगा इस एशिया कप में, और मैं कीन हूं देखने के लिए वो कैसे खेलते हैं। शायद वो 3 नंबर खेले इस सीरीज पे, विराट कोहली 4 नंबर बैटिंग करे, जिससे कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मजबूती दे। लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूं, प्रेशर अगर आया, अगर शायद अजमल की दूसरा बराबर गिरते रहे, तो बीच में रायडू, रहाणे और जो यंग बल्लेबाज हैं दिनेश कार्तिक, पता नहीं वो कैसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन मदीपा, जैसे कहा, अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, प्लेयर ऐसे ही बनते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं दिनेश कार्तिक के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है, और उनको कहीं ना कहीं इस मौके को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत मौके मिलते हैं और बहुत फेलियर्स होते हैं। तो कहीं कहीं प्लेयर ऐसे रहते हैं जिसको मौके मिलते रहते हैं, और आशा करेंगे कि इस सीरीज में परफॉर्मेंस वो दिखाए, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है। अब दादा, बल्लेबाजी में वाकई में वो मीट जिसे कहते हैं वो चीज नहीं है, गेंदबाजी में मीट कम ही दिख रहा है उसमें भी। नहीं देखिए, 5 बॉलर भारत खिला सकते हैं, अगर आप 3 नंबर पे अगर चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं, 4 नंबर पे विराट कोहली, 5 नंबर पे अजिंक्य रहाणे और 6 नंबर पे दिनेश कार्तिक, 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा, उसके बाद आप 5 बॉलर खिलाए, रविचंद्रन अश्विन और 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर। मैं स्टुअर्ट बिनी को नहीं खिलाऊंगा इस कंडीशन पे, उसकी जगह में 3 बॉलर
खिलाऊंगा, क्योंकि फिर बोलिंग स्ट्रांग लगते हैं आपके पास पांच बॉलर्स है, क्योंकि आपके ऊपर में आपके जो टॉप ऑर्डर है वहां पे ऑलराउंडर्स नहीं है जो आपको पांच या छह या सात या आठ ओवर डाल सकते हैं, तो भारत को पांच जेन्युइन बॉलर खिलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये पांचवा बॉलर इन कंडीशन में बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मेरा जो स्क्वाड होगा कल, मेरे हिसाब से शेखर धवन, रोहित शर्मा, तीन पुजारा, चार विराट कोहली, पांच अजिंक्य रहाणे, छह दिनेश कार्तिक, सात रविंद्र जडेजा, अश्विन और उसके बाद तीन फास्ट बॉलर। नहीं देखिए, बिल्कुल स्पेशलाइज बॉलर खिलाना बड़ा जरूरी है, आपको आउट करने वाले बॉलर चाहिए जो कि आउट कर सकें, और ये ही पांच बॉलर जो दादा ने कहा है, शमी अहमद और तीन भुवनेश्वर और एक उमेश यादव भी अगर है तो, और उसके साथ दो स्पिनर खिलाने बड़े जरूरी है कि इन विकेटों के ऊपर थोड़ा गेंद नीचे रहता है, बांग्लादेश और इंडिया के पिचेस में यही फर्क है कि भारत में तो गेंद आता है ठीक, वहां थोड़ा नीचे रहता है और स्किड करता है, स्किड करता है थोड़ा, लेफ्ट स्पिनर अच्छा हो सकते हैं, और ये यही खेलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आपको एक बॉलर ऐसे हों जो जिससे कि ये ना हो कि हर बार आप 300 करें और 300 करवा दें, फिर वही हम रट शुरू कर देंगे। नहीं, इस बार तो 300 करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि 300 आप जब चेज कर देते हैं 325 तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ी मजबूत थी, इस बार जैसे दादा ने कहा बल्लेबाजी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, कप्तान का इम्तिहान है, लेकिन अब देखना यह है कि विराट कोहली अपना बैटिंग ऑर्डर क्या छोड़ते हैं, क्या वो तीन से चार जाते हैं पुजारा को तीन पर खिलाने के लिए, कई ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब शायद परसों मिलेगा, क्योंकि यहां से भारतीय टीम की जो साख है वो भी दांव पर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका, अमरन जी आपका, आज तक पर खबरें लगातार चलती